गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेशन द साउंड ऑफ म्यूजिक को आगे बढ़ाते हुए पॉइंट नंबर 6 से डिस्कस करेंगे। कल तक हमने पॉइंट नंबर 5 तक ट्रांसलेट कर दिया था, समझ लिया था। आगे बढ़ते हैं, कम ऑन द पॉइंट नंबर 6 ऑन पेज नंबर 18। इट इज इंट्रीगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। बिना सुनने की शक्ति से भी सहजता से काम करती हुई एवलिन को देखना रोमांचक है। उसे देखना एक प्रकार से रोमांचक है। इन आवर 2 आवर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। हमारे 2 घंटे की विचार विमर्श या चर्चा में वे एक शब्द भी नहीं चूकी। शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। मैन विथ बसी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल। मैन विथ बसी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल। घनी दाढ़ी वाले लोगों से मुझे कुछ तकलीफ होती है। सी लाफ्ड। एवलिन ग्लेनी हंसी। इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज द होल फेस एस्पेशली द आईज। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विथ अ स्कॉटिश लिट। केवल होठों को ही नहीं देखना होता है, पूरा चेहरा देखना होता है और विशेष रूप से आंखें। वे बिना कुछ गलती के या त्रुटि के स्कॉटिश लहजे में बात करती है या बोलती है। माय स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। सी सेज मेरी वाणी स्पष्ट है क्योंकि मैं 11 वर्ष की आयु तक सुन सकती थी, ऐसा वह कहती है। बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज्ड टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। किंतु इससे ये बात स्पष्ट नहीं होती है कि वे फ्रेंच भाषा सीखने में और मौलिक जापानी भाषा को अच्छी तरह सीखने में कैसे सफल रही। कम ऑन द पॉइंट नंबर 7। एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन्स। जहाँ तक संगीत की बात है वह स्पष्ट करती है। इट इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। ये मेरे शरीर के प्रत्येक अंग में से होकर प्रवाहित होता है। इट टिंजल्स इन द स्किन माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर। ये मेरी त्वचा, मेरे गालों की हड्डियाँ तथा मेरे बालों में भी स्पंदन पैदा करता है। व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इन टू द फिंगर टिप्स। जब वह जाइलोफोन बजाती है तो वह छड़ियों में से होकर अंगुलियों के आगे के भाग में आती हुई ध्वनि को भी महसूस कर सकती है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स सी कैन फील द रेजोनेंस फॉलोइंग इन टू अ बॉडी। ढोल पर झुककर या उसका सहारा लेकर वे इस प्रतिध्वनियों को अपने शरीर में प्रवाहित होते हुए महसूस कर सकती है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म सी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स।
लकड़ी के मंच पर तो वह अपने जूते भी उतार देती है, जिससे कि कंपन उसके नंगे पैरों में से होकर उसकी टांगों तक पहुंच सके। इस प्रकार से उसे एवलिन ग्लेनी ने जो म्यूजिक को फील करने का जो एक तरीका निकाला, इस प्रकार से उसने महसूस किया। कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8। नॉट सरप्राइजिंगली, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस, कि एवलिन अपने श्रोताओं को प्रसन्न कर देती है। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। वर्ष 1991 में उसे रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटी का प्रतिष्ठित सोलोइस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया गया। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। प्रमुख परक्यूशनिस्ट या तालवाद्य वादक जेम्स ब्लेड्स कहते हैं, ईश्वर ने चाहे उसकी सुनने की शक्ति छीन ली हो, किंतु उसने उसके बदले में बहुत कुछ असाधारण वस्तु दी है। What we hear, she feels, जो हम सुनते हैं उसे एवलिन महसूस करती है, उसे वह महसूस करती है। Far more deeply than any of us, वह हमसे भी किसी से भी अधिक गहराई के साथ उन्हें महसूस करती है। That is why she expresses music so beautifully. यही कारण है कि वह संगीत को इतनी सुंदरता के साथ व्यक्त करती है। हमने पॉइंट नंबर 8 तक डिस्कस किया है। प्रेजेंट परफेक्ट के यूज को हम समझते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसमें काफ़ी जगह यूज हुआ है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमने कॉन्सेप्ट में पहले पढ़ा था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सभी वाक्यों में बनने वाले सभी संभावित वाक्यों में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट का मैं अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखता हूँ। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, और इसके हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज और हैव है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ हैज का प्रयोग होगा, और प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ हैव का प्रयोग होगा। और इसके बाद में पास पार्टिसिपल फॉर्म आती है, अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ इस जो हमने जो पॉइंट नंबर 6, 7 और 8 जो पढ़े, उनमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को काफ़ी सेंटेंसेस में यूज किया गया है। तो प्रेजेंट परफेक्ट की जो कॉन्सेप्ट में हमने समझा कि इसके बनने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं या बनने वाले सभी जो संभावित वाक्य होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म इनके सेंटेंसेज में आती है। तो हम यहाँ इन सेंटेंसेज को पॉइंट नंबर 6, 7 और 8 में जो सेंटेंसेज को निकाल कर हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट परफेक्ट को यूज किया गया है। तो यहाँ पॉइंट नंबर 8 में ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ही हैज गिवन हर बैक समथिंग
एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सेंटेंस को मैं यहीं तक लिख रहा हूँ, समथिंग तक लिख रहा हूँ, हम इसकी ग्रामर को समझते हैं। यही गॉड के लिए है, भगवान के लिए। सिंगुलर सब्जेक्ट है, ई के साथ हमने किसका प्रयोग किया है, हैज का प्रयोग किया है, ई सिंगुलर सब्जेक्ट है। यहाँ गिव की थर्ड फॉर्म आ रही है, गिव, फर्स्ट फॉर्म इज गिव एंड सेकेंड फॉर्म इज गैव एंड थर्ड फॉर्म इज गिवन, गिव गैव गिवन। तो गिवन कौन से टेंस में यूज हो रहा है, जो भी परफेक्ट टेंस जो होते हैं उनमें। तो यहाँ हम प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा सिंपल प्रेजेंट टेंस को भी काफी सेंटेंसेस में लिखा है। एक सिंपल प्रेजेंट का एक सेंटेंस डिस्कस करते हैं। एवलिन एवलिन डिलाइट्स डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। एवलिन डिलाइट्स, यहाँ डिलाइट वर्ब के रूप में यूज हो रही है। डिलाइट का मतलब होता है खुशी देना, प्रसन्नता, किसी को प्रसन्न कर देना। तो यहाँ डिलाइट मेन वर्ब के रूप में यूज हो रही है। और हम ये जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंसेज होते हैं उनमें सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर वर्ब के साथ एस ई एस या आई एस लगता है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट का कौन सा है, अफर्मेटिव है। एवलिन प्रॉपर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो एवलिन के साथ आने वाली जो वर्ब है डिलाइट है, तो डिलाइट के साथ एस लगाकर इसको सिंगुलर किया है। हम अच्छी तरीके से जानते हैं, कॉन्सेप्ट हमने पहले समझी तो ये बात पढ़ी थी कि वर्ब के साथ एस ई एस या आई एस जोड़ते हैं तो वर्ब कैसी बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। कैसी बन जाती है, सिंगुलर वर्ब बन जाती है। और नाउन के साथ अगर एस ई एस या आई एस जोड़ते हैं तो नाउन कैसा बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। कैसा बन जाता है, प्लूरल नाउन बन जाता है। तो ध्यान दें कि वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए इसके साथ एस ई एस या आई एस जोड़ा जाता है। एस से ये वर्ब सिंगुलर बन गई। एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस, एवलिन अपने श्रोताओं को प्रसन्न कर देती है, खुश कर देती है। सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट टॉपिक है, इसके जो नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 9 and 10 हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने लेसन नंबर 2 के जो द साउंड ऑफ म्यूजिक का पार्ट 1 है, एवलिन ग्लेनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट के पॉइंट नंबर हमने 6, 7, 8 को डिस्कस किया। यहाँ जो टेंस यूज हो रहे हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट यूज हो रहा है, सिंपल प्रेजेंट यूज हो रहा है, इसके अलावा सिंपल पास्ट भी यूज हो रहा है। सिंपल पास्ट में भी हमने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ी थी ग्रामर की सीरीज में कि सिंपल पास्ट में जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सीधी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेज में। और अफर्मेटिव के अलावा जो सेंटेंसेज होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो केवल जो सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंसेज होता है उनमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेज में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। कर्ता एकवचन हो या बहुवचन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। अच्छा, अफर्मेटिव के अलावा अगर दूसरे सेंटेंसेस बनाने हो तो
सिंपल पास के अफर्मेटिव के अलावा दूसरे सेंटेंस बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब इसकी डिड है। सभी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डिड आती है, और जब भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है। तो इन कॉन्सेप्ट को हमने समझा, बाकी के टॉपिक और इस लेसन को हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे साथ बने रहे, थैंक यू।